हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तसीर है और इस वीडियो के अंदर मैं देखने वाला हूँ पाकिस्तान का एक पंजाबी है सरायकी। मैंने उनके थोड़ी सी शॉर्ट्स देखे तो उसमें लगा मुझे पंजाबी है, लेकिन वो सरायकी हैं पता चलता है। गांव के व्लॉगर हैं पाकिस्तान के, जिसका नाम है वेला मुंडा, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो उनका उर्दू पॉइंट एक चैनल है बहुत बड़ा पाकिस्तान में, उस पर इंटरव्यू हुआ है। तो उसका एक व्लॉग देखने वाला हूँ मैं। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, मेरा बहुत बड़ा इंटरव्यू urdupoint.com पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बंदा जो है गांव के नॉर्मल से व्लॉग्स दिखाता है, खूबसूरती गांवों की दिखाता है, तो अच्छा लगता है उसको देखकर। तो आगे की जानकारी देखते हैं कि वो यहां तक कैसे पहुंचे। इस इंटरव्यू में शायद उनका दिखाया जाए कुछ शॉर्ट्स, क्योंकि उर्दू पॉइंट की तरफ से नहीं देख रहा हूँ ये वीडियो में, देख रहा हूँ उनके व्लॉग की तरफ से। ओके, इंटरव्यू के लिए तैयार, माइक वाइक लगा के। उर्दू पॉइंट वाले का इंटरव्यू स्टार्ट थी ना पे साको कमेंट्स में बेस्ट अप लाग आके देसो ताकि इंटरव्यू सर अच्छा थी। वैसे नाल सारे बहुत प्यारी और बहुत बड़ी शख्सियत बैठन था, सारी खुश किस्मत थी ऐसा कि आपका प्यार। आप बोलिए मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? आप भी बोलिए अस्सलाम वालेकुम। माइक टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपने कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद शहजाद उर्फ वेला मुंडा, पूरे पाकिस्तान में वेला मुंडा मतलब कुछ नहीं करने वाला, की लोग देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप पाकिस्तानी कल्चर को दिखाते हैं, देहातों को दिखाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, अपनी फैमिली का आपने स्टैंडर्ड जो है वो अपग्रेड कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कच्चे घरों से पक्के घरों पे आ गए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली, कच्चे घरों। ये सब कैसे और कब हुआ ब्रदर? ये वो जैसे कहते हैं ना जी, ये कहानी जो है बड़ी पीछे हम जाते हैं ना, आपको फ्लैशबैक बैक में ले जाते हैं। तो बचपन से जो है ना फिल्मों का और इन चीज़ों का बड़ा शौक हुआ करता था। जो मेरे वालदैन जो कहते थे वो भैया गलत काम, कच्चे घर हैं आसपास अभी भी देखो। वैसे ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ में जो है यार, इस चीज़ की भी अपनी खूबसूरती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो वह थोड़ा असरअंदाज करता है ना उसकी तालीम पर और बच्चे की सोच पर। कच्चे घरों की भी अपनी अलग खूबसूरती होती है। ये घर बनाया इन्होंने। व्यूअर मेरा इंटरव्यू थी चुके तो हूँ अबू जान का इंटरव्यू के अंदर ड्राइवर साहब देखने उन्होंने कैमरा मैन वगैरह बड़े अदब से प्यार से मिलता है। अबू जान का हो रहा है इंटरव्यू। बड़ी मेहनत की, क्या फर्क आया जिंदगी पहले क्या था और अभी क्या सर? ये मेरी पहले जड़े वेल्डिंग की उर्दू पॉइंट बहुत बड़ा चैनल है यार, उस पर इंटरव्यू होना बहुत बड़ी बात है। फाइनली व्यूअर अब्बू जान का इंटरव्यू ठीक है, कैसा रहा? जवाब वही, आपसे अच्छा बोलते हैं। अच्छा? यकीन करें मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये आपसे अच्छा बोलते हैं। भाई जान मेरे भी बाप है। एक जहन रखे कर प्यू प्यू होने पत्र पत्र होने। नहीं नहीं, मैं इसलिए घबरा रहा था कि अब्बू जान जो है ना थोड़ा नर्वस हो गए थे जब आपके साथ बैठे ना। असल सारा काम है, हमारी जो वीडियोज है ना वो थोड़ी और तरीके से बनाते हैं ना, हम तो औलाद के साथ होते हैं हमारे साथ तो फिर इजिली वो बना लेते ना वीडियो, लेकिन आपका अब्बू थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे वो मैंने महसूस किया। लेकिन नहीं नहीं, वो आपसे अच्छा बोले हैं और ऐसे लग रहा था बने बनाए लफ्ज बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोले हैं माशाल्लाह, मुझे खुशी हुई यार। उर्दू पॉइंट सारा इंटरव्यू ये कब तक अपलोड होगा, डेट बताइएगा व्यूअर्स को? एग्जैक्ट डेट नहीं पता लेकिन वेरी सून इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह, तो जल्दी उर्दू पॉइंट दोस्तों 100 वीडियो इंशाल्लाह जरूर आसी, बड़ा मजेदार इंटरव्यू चल रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जिंदगी रही। तो अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूं दैया शहर चौक मुंडा, जहां आपकी मुलाकात चौक मुंडा मोहम्मद शहजाद अल मशहूर वेला जगह है, जो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल है क्योंकि ये सरायकी के अंदर पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करते हैं। सरायकी इन्होंने यूट्यूब की कमाई से ही अपना घर, गाड़ियां, मोबाइल, बिजनेस सब कुछ यूट्यूब से बनाया, यूट्यूब से बना लिया। ये इनकी जिंदगी की कहानी क्या है आइए जानते हैं इन्हीं से और इनका घर भी दिखाते हैं। व्यूअर ए वीडियो दा स्टार्टअप बनांदे पहन अपनी दा ना जेडी उर्दू पॉइंट ते अपलोड थी होनी। शहजाद नाम है, लेंस ही बड़ा बड़ा है जी हमारे तो आईफोन जितना इसका टोटल लेंस है। ये कितने का है कैमरा तकरीबन? ये सोनी का 4 लाख का।
4 लाख करोड़ जितने भी सीन बनते पैन सीन लिवावन की कोशिश करें पे मेन भाई जान होने को कैमरे दे अब हाथ लाओ जवान को जुलता जे व्यूअर तकरीबन सारी वीडियो 80-90% कंप्लीट थी चुके बस चंद एक शॉट्स रहने पे नहीं है ना बस दो तीन शॉट्स अच्छा हमारी वैसे आप हमारे पास आए हुए हमारे इंटरव्यू करने जी जी आप कम से कम साइकी तो बोल के दिखाना हमारे व्यूअर्स को वाला डू द्रे डू त्रे अच्छा ये बताएं जो ये 10 रुपए होते हैं साइकी में 10 रुपए को क्या कहते हैं 10 रुपए दा नहीं होता 10 रुपए होते हैं 10 रुपए अच्छा ये कहें कि जो प्याज होते हैं उर्दू में प्याज कहते हैं हम साइकी में उसे क्या कहते हैं प्याज को गंडा नहीं नहीं गंडा पंजाबी में कहते हैं ऐसे खान ऐसे करने से याद नहीं आ जाता ये अलग होती है मुझे नहीं पता इसका क्या बोलते हैं वसल आते हैं वसल वसल अच्छा नई चीज सीखी वसल प्याज गाली देते हैं हम एक दूसरे को ठीक है उर्दू में तो हम गाली कहते हैं ना तो सराइकी में बताएं गाली को क्या कहते हैं गाल ना गाल नहीं आता फुल प्योर सराइकी में प्योर सराइकी में भाई मैं को मंदा कढेंदा मंदा मंदा ओके मैं को मंदा ना कढी अच्छा यानी मंदा बुरा बुरा चीज मंदा मतलब बुरी चीज को कहते हैं हम सराइकी में मंदा गाली को मंदा कहिया मंदा ना कढी साको अच्छा भाई तो सब जुगत मारो सराइकी रे ना जुगत भाई इंदा मुंह ही में जी में डब्बा है भी मैं सही हिसाब से जुगत मारो नहीं है वैसे सही गाल ले कोई जुगत दसो चलो मेरे तो जुगत मारो एदा एदा मुंह इंदा इंदा मुंह ही में है जी में इस जगह तो सलवार पाड़ी पई होवे गोरा बाहर आया हुआ ना तेज मुंह निकलता है ऊंट वाली बात ज्यादा मजे ऊंट का मुंह वाकई मिलता है इसके साथ मैं खुद हैरान हो गया मैं कह यार अपना गिरबान खुला हुआ था यार यकीन मानो तू साडू है ना बिल्कुल एक अपोजिट चीजा नजर आने खड़े बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी प्यारी और इडो बिल्कुल एक कवार हकीकत यह है कि ये इनका जर्फ है कि ये मुझे इस बातों से नवाज रहे हैं वरना ऐसी कोई बात नहीं है ये बहुत अच्छा है इनका इनका ये काम है और इनका ये जर्फ है जो बोल रहा है मुंह से और नहीं 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 सारी आपकी मोहब्बत है वरना सही लग रहा है यार बहुत शुक्रिया अच्छा बंदा इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे सलामत रहें आपके ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है मैं तो हमेशा पता नहीं आज बात कितनी खुशी थी थोड़े मिलने ये आपका प्यार है कैसा लगा आपको मेरे अबूजान से मिलके वालिद साहब ग्रेट आदमी और ग्रेट आदमी की ही ग्रेट औलाद होती है और इसीलिए आप लोग ऐसे हैं बड़े मीठे हो तुसी अल्लाह दी कसम लोकी पैसे नाल मोल लेंदे ने चौधरी साहब जेड़ा ना जुबान नाल ही मोल ले लेंदे ने ना जी गल्ला नाल मोल ले लेंदे ने व्यूअर हुण उहनां को ना छोड़न वेंदे पए हैं साडे मेहमान हैं पए तो इस वजह तू ना को ना ड्रॉप कराने थोड़ा रास्ता ना ये अच्छी गाल होंगी मेहमान नवाजी ना ताकि वो उन्हें को अच्छी फीलिंग आवे हम ऐसे खड़े हैं सिंपल शुनाल खड़े हैं तो ना बच्चे जनाब जनाब आ जा कैसा लगा जी हमारा गांव गांव माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये जो स्पेशली आप देखें ये ग्रीनरी ग्रीनरी अच्छा लगता है हमारे गांव लोग नहरी पानी बाग सारी चीजें बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह और मैं आता रहूंगा यहाँ और आपको मैं बताता चलो कि ये पहले तो खूबसूरत होते हैं लेकिन आपके आने से ये डबल खूबसूरत लग रहे हैं आपका प्यार है मेरा दिल करता बहारो बहारो फूल बरसाओ मेरे महबूब आए ये वाला सीन हुआ है दिल करता है यहाँ छुट्टियां गुजारूं यकीन करें इतनी खामोशी और आपको परिंदों की आवाजें आएंगी यहाँ पर जानवरों की आवाजें आएंगी फिर सब्जा है और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता मैंने एडे मेहमान नवाज भी नहीं ऐसे कहते छुट्टियां इतने गुजारो परिंदे गाला कटने की आवाज भी आनी है आजकल मैं गए तेरे सामने भी और इतने
ਮੈਂ ਗਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਮੈਂ ਮਾਨ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਸੀ ਪ੍ਰਿੰਦਾ ਸ਼ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਕਾਕੂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਬਤਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਹਮਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝੇ ਜਿਸਕੇ ਬਾਈ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਆਪਨੇ ਦਿਲ ਸੇ ਨਿਕਲੀ ਆਪਕੇ ਬਾਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹਾਏ ਨਿਕਲੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਸੇ ਨਿਕਲਾ ਤੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਆਪਕਾ ਹੈ ਇਹ ਵੋ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹਮ ਚੈਟ ਮੇ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਆਪ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਫਟੀਕ ਨਹੀਂ ਡਾਲੂਗਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਹੈ ਫਟੀਕ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਟੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਏ ਆਪ ਵੈਲਕਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮਜ਼ਾਕ ਉਤਰ ਰਹਾ ਹੈ ਆਪ ਰਹੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹਮੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪ ਆਏ ਯਕੀਨ ਮਾਨੇ ਹਮੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਬੰਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਯਾ ਆਪਕੋ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਆਪ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਆਪਕੀ ਜਿਸ ਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹੋ ਗਈ आपके जो कैमरा मैन है सर बड़े ग्रेट बंदे ये हैंडसम आदमी है टैलेंटेड आदमी है और बहुत ग्रेट आदमी है ओके ओके अल्लाह हाफिज़ था जनाब को मुछा बड़े सोट करे ने व्हाट देख रहे क्या कर रहा इफ्तिखार ठाकुर वैन में नान पीटिए ना गरीबां दे हां ठीक है सर मेहरबानी अल्लाह हाफिज़ लव यू हो गया सर लव यू बहुत शुक्रिया और दो पॉइंट लगी गई है व्यूअर सर कैसा लगा तो आपको इन नाल मिलके सर तो बड़ा अच्छा लगा नई वीडियो बनानी है नई वीडियो और व्यूअर ओ मेहमान सारे लगे गए बिल्कुल ही ओ चीज असा खत्म करंदे पे तो हुन पहले दे तरह थोड़ा शहजाद मकसद है जेड़ा बनदा पे बैकग्राउंड है ना मकसद जिवें मिट्टी हुन लगी हुई ठंडे हुन नवे कपड़े पाती खड़ा से मतलब हुन असा बिल्कुल ही पुरानी अपनी हालत चावे से जिवें पहले दिहाती है सलाम दादो वालेकुम सलाम ठीक है चलो अल्लाह ठीक करे दादा ठीक कोई नहीं मैं हुन व्यूअर गड्डी में शादी करो दादे कौन ओ दादे नादे कार कुछ के अंदर खड़े ने व्यूअर हुन सब सिवेक दी चाबी रख दे अंदर और नाश्ता करने क्योंकि ऐसा नाश्ता मेहमानों को करवाया से आप इतना नाश्ता कौन ही कीता क्योंकि मेहमान करने पे अंदर आला से शुरू थी वाला अच्छा नहीं लगता बंदा व्यूअर फ्रूट्स खा देता हो ए बेरन पे केले पे ते खरबूजा है व्यूअर नाश्ता करने के बाद गड्डा छक के ते ए खणे अपने डेरे ते सामने डेरा खड़ा थिया और इथा सा बनावने से फनी वीडियो ते टाइम थी ना पेवे वीडियो बनाने गए हैं अच्छा 2:20 हूँ साको फनी वीडियो ते काफ़ी ज़्यादा टाइम लगसी बाकी सुबह थोड़े सामने कितना बिज रह गया थोड़ा इलम है पिया मैरिज स्कूलों पढ़ के जवान आ गए माशाल्लाह कटिंग शटिंग कराए प्यारा लगता बैठा इतना माशाल्लाह तो असा फनी वीडियो बना गए ना मिलते हैं थोड़ी देर के बाद बाय वेलकम बैक व्यूअर टाइम थी ना पेवे 6:08 और थोड़े सामने हालत क्या है भाई ये साडा फनी वीडियो का गेटअप आवे इस जगह तो खड्डा खटिया से वो खोती खड़ी थी एडू मोटरसाइकिल खड़न थी वो सामने रक्षा खड़े कारा खड़न सारा कुछ ना ये फनी वीडियो के अज अस मेहनत करेंदे रह गए तो सारी फनी वीडियो कितनी मेहनत लगती है मगरब आजान आने पैन इतना ही करना सारी वीडियो एंड जी अज फनी वीडियो बनाई से अगर वो तो देखनी हो तो वेला मुंडा 2 सर्च करे सो वाल सारी फनी वीडियो आवे से इतना ही करना सारी वीडियो एंड क्योंकि मगरब आजान का टाइम थी नमाज का टाइम थी नमाज ही पढ़ दें तो मैं थक सारे आज अच्छा लगे सके सारे आज अच्छा लगे सारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे सो तो हमें सुन चला नए नाल तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ सबसे खास और सबसे बढ़िया बात जो है लोगों को पसंद आ रही है आजकल वायरल जो चल रहे हैं ये मुझे लगता है कि ये एक नेचुरल चीज़ों की वजह से चल रहे हैं नेचुरल इनकी वीडियोज़ में आई थिंक सारा कुछ इंटरव्यू हुआ इनका उर्दू पॉइंट जैसे चैनल ने इनको रिकग्नाइज़ किया कि यार इसको बंदे को हमें अपनी चैनल पर इंटरव्यू लेना चाहिए सो यूट्यूब से बना बंदा यूट्यूब पर कामयाब हुआ यूट्यूब की कमाई से कार ली घर बनाया जबकि उनके घर के बराबर में मैं बोल रहा था कि कच्चे मकान है और उनकी जो कच्चे मकानों की खूबसूरती हमने देखी है बहुत साल पहले कभी कच्चे मकान अगर आज भी नज़र आ जाएँ किसी गाँव में जाओ तो बड़ा ही अच्छा लगता है एक मतलब उनके लिए वो ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है जो रह रहे हैं उसमें एक खूबसूरती होती थी जो पहले एक घर हुआ करते थे नेचुरल चीज़ें वो ठंडी भी रहा करते थे मकान वो घड़े का पानी और ऐसी लाइफ हरी भरी खेत और
ये सारी चीज़ें बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत सुकून देती हैं। मतलब जो वो सुकून होता है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता, किसी शहर में नहीं मिल सकता। वेला मुंडा का को मैंने पहली बार देखा था, इनका इंटरव्यू हुआ, बहुत सारे इनसे सवाल ववाल पूछे गए, और लेकिन वो पूरा इंटरव्यू नहीं दिखाया गया। मैं इनको देखना चाहता था कि यार ये बंदा कर क्या रहा है, अपनी नेचुरल और सारी लाइफ दिखा रहा है, कुछ कॉमेडी वीडियो भी बनाती हैं, तो बढ़िया है। सराय की लैंग्वेज है इनकी जो कि मुझे पंजाबी जैसी लगती है, क्योंकि समझ में भी आती है, मतलब काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ, पंजाबी जैसी मुझे लगती है। और मैं जो इनकी लैंग्वेज थी, इनकी बातें थी, इनकी हंसी मजाक था कि तुम मत आओ, हम लोग इतने भी मेहमान नवाज नहीं है, तो वो जो भी बोल रहे थे कुछ वर्ड इन्होंने बोल कर दिखाई तो अच्छा लगा। मतलब एक सरायकी बंदा जिसका शायद मैंने सरायकी वालों का कुछ, वो अपने ही फील्ड में अपने ही एक जोन में रहते हैं जो फेमस है, लेकिन अब उर्दू में और अदर लैंग्वेजेस में वो जाने जा रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। वेला मुंडा के ज़रिए मैंने ये चीज़ देखी है। तो ऐसे ही और भी लोग होंगे जो अलग अलग अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को निकाल कर लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे, और वो फेमस होंगे। तो वेला मुंडा काफ़ी, मतलब सही शहजाद नाम है ओरिजिनल इनका, तो हंसी मजाक फन वाले ब्लॉग्स और नेचुरल चीज़ें दिखाते हैं जो कि आप बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं, कि कोई वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं वो बताइए। फिलहाल एंड करते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।